सो गाइस फाइनली ब्रांड न्यू ब्रेजा आपके लिए ले आया हूँ और इसमें कर रहा हूँ मैं ऑडियो अपग्रेड। तो कंपनी का आई थिंक इसे टॉप मॉडल ओनली, इसमें सनरूफ भी लगी हुई है, प्रॉपर स्टीरियो वगैरह कंपनी से लगाया हुआ है। एज यूजुअल मुझे यही मॉडल पसंद आते हैं गाइस, जिसमें कंपनी से ऊपर स्टीरियो लगा आता है। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं ऑडियो अपग्रेड, तो क्या सेटअप लगा रहा हूँ गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मैं हूँ आपका कोर सिंह फ्रॉम जैक्स कार्वर। आई होप सारे बढ़िया ही होंगे और मेरी वीडियोस पसंद कर ही रहे होंगे, करते ही हो यार, बढ़िया प्यार दिख ही जाता है, बढ़िया अच्छे मेरे पास आ ही जाते हो काम कराने वीडियोस देख के मेरी। तो गाइस फाइनली ब्रेजा मेरे पास आ गई है, न्यू शेप की टॉप मॉडल गाड़ी है और आपको मैंने दिखा दिया, इसमें कंपनी का स्टीरियो लगा और मुझे बड़ा बढ़िया लगता है जब कंपनी का स्टीरियो आता ना, क्योंकि यार या तो कंपनी का स्टीरियो अपग्रेड करो या फिर बेस के अंदर सोनी पायनियर अपग्रेड करो अगर आप एक्चुअल म्यूजिक लवर हो, मजा उसी के अंदर है। कुछ एंड्रॉइड फेंड्रॉइड मत लगाया करो भाई साहब, एंड्रॉइड में मजा नहीं आता, लगवा लेते हो फिर उसके बोलते हो भैया मजा नहीं आ रहा, फिर मुझे उसके अंदर पावर एनहांसमेंट करनी पड़ती है आपको आउटपुट का स्वाद लाने के लिए। तो गाइस फिलहाल अंदर चलते हैं और सेटअप दिखाता हूं उसमें क्या लगा रहा। मोस्ट प्रॉबली आपको पता है जो मैं सबसे फेवरेट उस टाइम हॉट सेलिंग के अंदर है, शायद हो सकता है वही लगाऊं इसके अंदर बढ़िया एम्पलीफिकेशन के साथ। तो जो भी सेटअप सारा लगा रहा हूं गाइस, अंदर चलते हैं वो दिखाता हूं। तो जैसे सारा काम होगा तो न्यू ब्रेजा भी आपको बढ़िया सब दिखा देंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर काम शुरू होगा। सो गाइस सामान सारा मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था जो इसमें मैं लगाने जा रहा हूं, और इसमें शॉर्टलिस्ट के अंदर करे हमारे एरीज, सबके फेवरेट एरीज के एसके 6.2 हो, और साथ में एम्पलीफायर के साथ इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लाउड सेटअप नहीं चाहिए था गाड़ी में, तो बढ़िया बैलेंस साउंड चाहिए थी। आपको पता है एरीज जो है हमारा प्लग इन प्ले में वैसे ही स्पेशलाइज है, प्लस एम्पलीफायर के साथ भी बहुत बढ़िया बजता है, तो वो भी मैं आज आपको सुना दूंगा एम्पलीफायर का एरीज हमारा कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। प्लस इसके बाद मैं जो सेटअप लगा रहा हूँ वो मैंने सामने रख दिया, वो भी मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसके अंदर गाइज मैंने शॉर्टलिस्ट करे दो एरीज के स्पीकर, अभी आपको मैं दिखा दूंगा अनबॉक्सिंग करके। साथ में 300.4 हमारा डी क्लास डीडी ऑडियो का, और एक साथ में लगा रहा हूँ 500 आरएमएस का मोनो। तो गाइज आज सारा सामान पहले दिखा दूंगा, सब ऊपर मैं सस्पेंस ही रखूंगा। तो हम इसके अंदर जो एंक्लोजर मैं लगाने जा रहा हूँ वो हम इसमें लगा रहे हैं ग्राउंड जीरो का कस्टम एंक्लोजर, साथ में प्लग इन प्ले के साथ ये हम गाड़ी के बूट में इंस्टॉल करेंगे। और डैम्पिंग भी मैं आज ग्राउंड जीरो की ही कर रहा हूँ इसके अंदर, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी जैसी गाड़ी में लगनी शुरू होगी। आपको पता है फर्स्ट स्टेप डैम्पिंग का होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो इसमें मैंने सेटअप लगाया है तो एरीज के मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। वैसे मेरी काफी वीडियोस हैं, सबने देखे ही होंगे, बट एटलीस्ट न्यू व्यूअर्स के लिए उन्हें पता लगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कि हमारे एरीज के जो कंपोनेंट है इसके 6.20 वो कैसे दिखते हैं। बढ़िया आप ये देख सकते हो, तो ये हमारा मिड ड्राइवर है, साथ में एज यूजुअल दो ट्विटर्स, और ये रहे हमारे क्रॉस ओवर्स। ऐसे दो बॉक्स मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये हमारा तो गाइस ये हमारा 300 एम्पलीफायर जो है, आपको ये भी दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। खैर ये भी सबने देखा ही हुआ, बट स्टिल फॉर माय न्यू व्यूअर्स, हमारे जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी दिखाना जरूरी है। 300.4 डी क्लास एम्पलीफायर ये लगा रहे हैं, साथ में मोनो लगा रहे हैं। मोनो का फायदा गाइस ये हो जाता है कि अब इसमें हमें साथ में मिलता है सबसे बेस्ट चीज जो दैट इज अ बेस कंट्रोलर। दोनों का मोनो का और फोर चैनल का साइज सेम ही है, इसे 500 आरएमएस मोनो, और इसमें जो हमें बेस्ट चीज जो हमें मिल जाती है दैट इज अ बेस कंट्रोलर। बेस कंट्रोल से ये है कि यार कल को फैमिली बैठी है या बच्चे बैठे हैं, कोई भी बढ़िया मतलब कि भाई कोई ओल्ड एज बंदा बैठा है कि भैया बेस ज्यादा नहीं सुनना चाहता, तो मोनो लगाना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छे से बेस को कंट्रोल कर सके, लो मिड एंड हाई प्रॉपर बैलेंस कर सके, क्योंकि कई बार हमारा मूड नहीं होता यार ज्यादा बेस सुनने का, तो तभी बोलता हूँ। फोर चैनल के साथ भी सेटअप अच्छे बन जाते हैं गाइस, बट ऐसा है कि अगर जो कंप्लीट सेटअप है ना, जो क्वालिटी सेटअप बोलूंगा, वो डबल एम्पलीफिकेशन के साथ ही बचते हैं क्योंकि हम सेपरेटली ड्राइव कर सकते हैं। फोर चैनल के साथ हमारा सिर्फ कंपोनेंट भी चलाना और वूफर भी चलाना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट अगर मैं सब वूफर की बात करूं तो 250-300 आरएमएस तक के वूफर होते ही होते हैं, तो इतने का तो मिनिमम हमारा एम्पलीफायर होता है जो हम इंस्टॉल कर देते हैं और उसी के साथ हम कंपोनेंट भी चलाते हैं। तो इन फ्यूचर क्या होता है जब गर्मियां हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो उस गर्मियों के अंदर ये दिक्कत आती है कि भैया मेरा एम्पलीफायर ट्रिप मार रहा है या मेरे स्पीकर बंद हो गए हैं, दैट इज द ओनली रीजन। तो काम होना हमारा स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ी की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो डोर्स वगैरह पैनल आपको पता है फर्स्ट स्टेप ओपन करते हैं हम, तो ये देखो डोर रैप अनरैप कर दिए सारे पैनल, साथ ही हमारी प्लास्टिक डैम्पिंग, कंपनी के स्पीकर्स, एज यू नो टॉप मॉडल गाड़ी है
टॉप है या टॉप से एक नीचे, बट काइंड टॉप ही है। मैंने अभी क्लाइंट से पूरा डिस्कस करा था। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे उससे हम डैम्पिंग का। स्पीकर क्वालिटी देखो आप, जो कंपनी देती है हमारी मारुति। तो ब्रेजा को करते हैं बढ़िया ऑडियो अपग्रेड, तो स्टे ट्यून्ड। जैसे जैसे काम होगा आपको सब दिखा दूंगा। गाइस हमारी टू लेयर डैम्पिंग ग्राउंड जीरो की हो गई है, इन एंड आउट लेयर, और प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिटमेंट से आप देख सकते हो फिटिंग का तरीका। प्रॉपर क्लीन फिटमेंट करती है जैंक्स कार वर्ल्ड पे, जो हमारी टीम है जो उसमें जो हमारा इंस्टॉल करता है। अभी वायरिंग का काम चल रहा है गाइस, हमारा ओरिजिनल स्टीरियो हम नहीं छेड़ेंगे इसमें। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा। चारों डोर में डैम्पिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो हमारा वायरिंग का काम चल रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो गाइज हमारे फ्रंट डोर के जो कंपोनेंट है वो फिट हो गए, आप देख सकते हो। ये ट्विटर है वो यहाँ पर प्लेस होगा ओरिजिनल जगह के ऊपर, यहाँ पे हमारा जगह है, ये पॉड के अंदर आ जाएगा, ये देख सकते हो आप। तो यहीं पर ट्विटर प्लेस हो जाएगा पूरा। और हमारी आप ये देखो प्रॉपर मैंने डैम्पिंग लगा दी कि कहीं से भी एयर पास ना रहे, बिल्कुल भी बढ़िया प्रॉपर फिटमेंट हो जाए। ये डोर हो गया हमारा तैयार, ये डोर भी हमारा हो गया तैयार, बस में डैम्पिंग स्पीकर पे लगनी रहेगी ये। तो अभी एम्पलीफायर का काम चल रहा है, तो जैसे एम्पलीफायर प्लेस हो जाएगा आपको दिखाता हूँ। गाइज हमारे यहाँ वाले डोर के भी स्पीकर सारे फिट हो गए हैं, वायरिंग आप देखो प्रॉपर इंक्लाउड करी है। और ये रहा हमारा ट्विटर, इसके पीछे भी डैम्पिंग लगा दी ताकि ट्विटर हिले ना, प्लेसमेंट प्रॉपर रहे, और ये भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो पीछे वाले डोर का भी आपको दिखाया था, ये देखो पीछे वाले डोर में भी सेम कर दिया प्रॉपर, यहाँ पे कटिंग करके लगाया, अभी यहाँ पे ट्विटर आ जाएगा, अभी बंद करके प्रॉपर दिखा दूंगा। ये एग्जैक्ट पूरी फिटमेंट हो गई है। अब आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ, मेन अब एम्पलीफायर रह गए हैं। सीट के पीछे मैंने एम्पलीफायर प्लेस कर दिया था, आप देख सकते हो प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिटमेंट, वायरिंग सारी अंडरग्राउंड, ये वायर चलेगी है प्लग इन प्ले, वो पड़ा भी इंक्लोजर आ रहा है। एम्पलीफायर की आपने प्लेसमेंट देख लिया, पीछे रेड पे वॉल डिस्प्ले कर दिया है। अब डोर्स वगैरह पैक करते हैं और गाड़ी करते हैं ट्यून, और फिर सुनाता हूं आपका आउटपुट। तो हमारा ग्राउंड जीरो का कस्टम इंक्लोजर आ गया विद प्लग इन प्ले, और पोर्टेड है ये इंक्लोजर ताकि बेस जो है हमारी ट्रैवल अच्छी करे और प्रॉपर लाउड बेस आए। एम्पलीफायर मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो पीछे प्रॉपर हमारे प्लेस हो चुके हैं, डोर्स पैक हो रहे हैं, तो उसका ट्यून करके आपको आउटपुट सुनाता हूँ। सो गाइज कैसे हो सारे, मैं वापस आ गया, आपको गाड़ी हो गई पूरी तैयार, फिटिंग वगैरह आपने सब देख ली है लिटरली। अब मैं गाड़ी इतने से ट्यून ही कर रहा था, क्लाइंट्स को भी मैंने सुना दी है। जो एरीज एम्पलीफायर के साथ बज रहे हैं ना गाइज, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा, अभी वूफर का कनेक्शन हटा दिया है, एज यूजुअल आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था, जो मैंने मर्करी करी थी, मर्करी में भी मैंने सेम चीज करके दिखाई थी आपको कि पहले मैंने स्पीकर सुनाया था ताकि आपको स्पीकर्स की आउटपुट पता लगे। तो एरीज सब के मेरे को दो तीन मेरे क्वेरीज आ रही थी कि भैया एम्पलीफायर प्लग इन प्ले में स्पीकर तो बहुत बढ़िया बज रहे हैं, व्हाट इफ आई वांट टू गो विद द एम्पलीफिकेशन, तो वो तो कैसे उसकी आउटपुट आएगी। तो गाइज मजा आ जाएगा, आप आउटपुट सुनो, मैं आपको एक बार आउटपुट सुनाता हूँ, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस एज यूजुअल आपको पता है कि अमेजिंग, मतलब कह रहे ना कि ये मेरे एरीज बज रहे हैं SK 6.20 विद एम्पलीफायर, डीडी ऑडियो का एम्पलीफायर है 4 चैनल का, जिसके साथ मैंने ये जो है ड्राइव करे हैं, और मजा आ गया यार। आप देख सकते हो हेडफोन्स रेकमेंडेड है गाइस, हेडफोन्स लगा के सुनना तभी आउटपुट पता लगेगी, फोन के स्पीकर्स में इतना हम नहीं पता लगा सकते कि भैया क्या आउटपुट आ रही है। लिटरली यार मजा आ गया, मतलब मुझे पर्सनली मैंने 2-3-4 गाने सुने, और आप सबको पता है पंजाबी सॉन्ग भी मैं जो इसकी एक प्रॉपर वो जो बनाता हूँ रील्स और शॉर्ट बनाता हूँ, वो भी मेरे पेजेस पे आ जाती हैं, यूट्यूब पे भी मेरा शॉर्ट डल जाता है, तो वो पंजाबी सॉन्ग के साथ ही बनाता हूँ, तो वहां जाके देख लेना, और मेरे चैनल्स आ रहे हैं फटाफट से इन्हें फॉलो कर लो। अब आपको यही गाना गाइस सुनाता हूँ एक बारी वूफर के साथ। Oh,
मतलब लिटरली गाइस मुझे ऐसे सेटअप बहुत पसंद है पर्सनली, और अगर मैं अगर बजट की बात करूँ जस्ट फॉर द हैंड की मैं बोलूंगा तो इन बजट सेटअप ही है यार ये। मतलब मैं कहता हूँ किसी ने डबल एम्पलीफिकेशन में ये चीज लगानी है ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग आउटपुट बनती है। कोई बहुत ज्यादा हाई बजट सेटअप नहीं है, सबको एरीज पता है किस रेंज में इसके 6.20 आए हैं, ऑलमोस्ट सबको ये प्राइस रेंज पता ही है। मतलब बहुत ही अमेजिंग आउटपुट आई है, मजा ही आ गया लिटरली। आपने भी सारी आउटपुट सुन ली, तभी मैंने आपको दो तरीके सेटअप सुनाए कि भैया पहले आपको स्पीकर सुना दिए, फिर आपको वूफर के साथ भी सुना दिया। हमारा ग्राउंड जीरो का कस्टम इनक्लोजर हमने इंस्टॉल किया है। तो गाइज जो हमें क्लाइंट्स है वो रिव्यू नहीं देंगे यार, देंगे आई हैव नो आइडिया। एक बार उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, अगर वो देंगे ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही वीडियो एंड करूंगा। सो गाइज मैंने क्लाइंट को बुलाया था कि भैया गाड़ी में आ जाओ एक बार रिव्यू दे दो, क्योंकि ही इज नॉट रेडी टू कम ऑन कैमरा। वो कह रहे भैया मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, अभी ऐसे पब्लिकली फेस नहीं करना चाहता कि मैं आपकी वीडियो वगैरह शेयर होती है सब देखते हैं। तो कोई बात नहीं, एनीहाउ उन्हें बहुत मजा आया और ही रियली लाइक्ड इट कि भाई उनको जो सेटअप बना के दिया, उन्होंने बोला भैया मेरी तरफ से 100 रिव्यूज हैं। मतलब उनको रेकमेंड ही किया था किसी ने मेरी शॉप, उनके जो पहले नोन्स हम उससे काम करा चुके हैं, बट कह रहे भैया मेरी तरफ से A+ काम है, थैंक यू सो मच, उन्होंने अपनी मेरी गाड़ी में फिटिंग करी, ट्यूनिंग करी, मतलब ही इज 100% सेटिस्फाइड। तो गाइस अब आपको पता है आपने फटाफट से क्या करना है, जाके मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक, और जिन्होंने ब्रेजा निकलवाई है या ब्रेजा प्लान कर रहे हैं तो फटाफट से जाके ले लो, गाड़ी है एक नंबर, मजा आ गया लिटरली। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहो जैसे आप ऑलरेडी वीडियोस में दे ही रहे हो। लव यू ऑल।